साथियों, आज सवाल इस बात का है कि कैलाश मानसरोवर, जिसमें प्रतिवर्ष भारत के लोग यात्रा करते हैं, वो किसका है। चीन ने बहुत बड़ी गलती की, जो चीन ने भारत के साथ एक कब्जा करने की नीति को अपने जारी रखा और भारत को अपने दावा करने का एक मौका मिल गया कि वो कैलाश मानसरोवर पर फिर से अधिकार कर ले। आप जानते होंगे कि पैंगोंग झील के पास फायरिंग की अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी। फायरिंग की यह घटना पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में स्थित सेपाव माउंटेन टॉप्स पर हुई, जहां भारत सामरिक नज़रिए से काफ़ी मजबूत हालात में आ गया है और यही बात चीन को चुभ रही है। बीती रात चीनी सेना ने फायरिंग करते हुए सेपाव माउंटेन टॉप्स पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने चीन को तुरंत करारा जवाब दिया। सैनिकों ने जवाबी फायरिंग करके चीन को चेतावनी दी और अपनी पोस्ट की तरफ आते चीनी सैनिकों को तुरंत रोक दिया। लगातार चेतावनी देते हुए भारतीय सैनिकों ने जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ किया, जिसे यहाँ बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया, बस इतना ही काफ़ी है, जिसके कारण चीनी सैनिकों के कदम रुक गए। पहली बार 1962 की युद्ध के बाद भारत को कैलाश पर्वत श्रृंखला को भी अपने अधिकार क्षेत्र में करने का बड़ा मौका अब मिला है। जी हाँ, ठीक सुना है, भारत के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थ स्थल में से एक कैलाश मानसरोवर की कैलाश रेंज। कम ही लोग जानते हैं कि भारत से कैलाश मानसरोवर झील जाने के लिए सबसे करीबी रास्ता लद्दाख से होकर ही गुजरता है। 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग से झील के दक्षिण में करीब 60-70 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया है। चुसूल सेक्टर के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र की गुरंग हिल, मगर हिल, मुखपरी और रेचिनला दर्रा सभी कैलाश रेंज का हिस्सा है। 1962 के युद्ध से पहले पूरा इलाका भारत के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन 1962 के युद्ध में रेजांगला और चुसूल की लड़ाई के बाद दोनों देश की सेनाएं इसके पीछे चली गई थी और इस इलाके को पूरी तरह खाली कर दिया था और उसके बाद ये रूट बंद कर दिया गया था, लेकिन इस पर चीन अपना दावा करता रहा। 30 अगस्त की रात भारत की कार्रवाई से चीनी सेना में हड़कंप मच गया। चीनी सेना किसी भी कीमत पर इन कैलाश रेंज की पहाड़ियों को हड़पना चाहती थी, इसीलिए बड़ी तादाद में चीनी सैनिक भारत की फॉरवर्ड पोजीशन के चारों तरफ इकट्ठा हो रहे थे। चीनी सेना अपने टैंक और आईसीबी व्हीकल्स के साथ एलएसी से सटे मोल्डो, स्पैंगूर गैप और रैंकिंग ग्रेजिंग लैंड पर अपना जमावड़ा कर रही थी। चीनी सैनिक बर्छी, भाले और दूसरे मध्यकालीन बर्बर हथियारों के साथ वहाँ इकट्ठे हो गए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने तब साफ कर दिया था कि अगर चीनी सैनिकों ने भारत की फॉरवर्ड पोजीशन पर लगी कटीली तारों को पार करने की कोशिश की तो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह चीनी सेना को कड़ा जवाब फिर से दिया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में तनाव के बीच ड्रैगन को चकमा देकर भारतीय सैनिकों ने उत्तरी छोर पर वो रणनीतिक ऊंचाई हासिल कर ली जहां से चीन की हर पोस्ट और उसकी हरकतों की पल पल की जानकारी रखी जा सकती है। ऐसी शायद चीन को उम्मीद कभी नहीं थी। मई में चीनियों ने भारत को धोखा देकर फिंगर चार पर कब्जा कर लिया था, वही रास्ता भारत ने भी अपनाया और भारत ने जब वहां से हटने को कहा तो वो चीन हटने को तैयार नहीं हुआ। अब चीन जिन चालों को चलता है भारत ने भी उन्हें अपना लिया है। पिछले हफ्ते भारत अपने सैनिकों की तैनाती में बदलाव करके रिज लाइन तक पहुंचा था, लेकिन अब फिंगर एरिया में भारतीय सैनिकों की तैनाती इतनी ऊंचाई वाली पहाड़ी पर कर दी गई है जो फिंगर चार से भी ऊंची है। एलएसी पर मौजूद तनाव में जरा भी कमी नहीं आई है। फिंगर चार में जहां चीनी सैनिक डटे हैं, अब भारतीय सैनिक उससे भी ऊंचाई पर तैनात हैं, जहां से फिंगर चार का पूरा इलाका साफ साफ दिखता है। यानी अब यहां से चीन की हर पोस्ट और उसकी हरकतों की पल पल की जानकारी रखी जा सकती है और हो जाती है।
अभी तक सबसे अधिक ऊंचाई पर बैठे चीनियों को रणनीतिक लाभ मिलता था, जिसकी वजह से उन्हें भारत की हर गतिविधि के बारे में जानकारी रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे कम से कम 3 चोटियों के पास भारत और चीन के सैनिक महज 300 मीटर की दूरी पर हैं। चीनी सेना भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा हासिल की गई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा करने और भारतीय सैनिकों को पीछे हटाने के लिए हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसमें बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है और इसलिए वो भड़के हुए हैं। चीनी सेना ने 7 अगस्त को भारत के फॉरवर्ड पोजीशन पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसे सतर्क भारतीय जवानों ने विफल कर दिया था। भारतीय सैनिकों ने अपने कब्जे वाली चोटियों के आसपास सुरक्षा के नजरिए से वायर ऑब्स्टिकल लगा रखे हैं ताकि चीनी सैनिक उनके करीब ना आ सके। इसके बावजूद 7 अगस्त को भाले, बर्ची, चीनी हथियार से लैस होकर आए चीनी सैनिकों ने यह वायर निकालने की पूरी कोशिश की। भारतीय सेना के तेवर देख चीनी सैनिकों ने हवा में फायरिंग भी की, भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाने की भी कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों के सख्त होने के कारण वो पीछे हटने को मजबूर हुए। इतना ही नहीं, उकसावे के लिए चीनी सेना के जवानों ने गोलियां भी चलाई। अब मंदारिन भाषा जानने वाले भारतीय सैनिक नियमित रूप से पीएलए सैनिकों को मेगाफोन्स के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि वह भारतीय चौकियों के करीब आने के लिए किसी भी प्रयास को बंद कर दें और कांटेदार तारों से दूर रहें। चीन ने जिस तरह उत्तरी तट पर भारत और चीनी नियंत्रित क्षेत्र को अलग करने वाली रिज लाइन पर सैन्य पोस्ट बना रखी है, ठीक उसी तरह भारत ने अब दक्षिणी किनारे पर कब्जा किया है, जो चीन को हजम नहीं हो रहा, जिससे तनाव बढ़ गया है। इसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण ऊंचाइयों ब्लैक टॉप, रेजनला, रेचिनला, गुरिंग हिल, मगर हिल आदि पर भारतीय सैनिक मोर्चा संभाले हैं। यही ठीक एलएसी पर चीन ने 2 नई पोस्ट बना ली हैं, जो वास्तव में भारत के बिल्कुल करीब हैं। भारतीय सेना ने चुसूल के मुख्य आक्रमण मार्ग पर सभी प्रमुख ऊंचाइयों को हासिल करके चीन के सामने गेम चेंजर का रोल अदा कर दिया। भारत ने अब अपने इरादे जता दिए हैं कि वह 1962 में खोए अपने कैलाश मानसरोवर को वापस चाहता है, और इस प्रकार उसने जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है उस पर कब्जा कर लिया है। लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब कैलाश मानसरोवर भारत में होगा। साथियों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।